मनुष्य को निकम्मा कभी नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ये अपि शब्द जो है लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, अपि च माने और अपि शब्द का प्रयोग करते हैं नया प्रसंग प्रारंभ करने के लिए, नई युक्ति नया प्रकरण प्रारंभ करने के लिए। लोक संग्रहम संपश्यन् कर्तुम अर्हसि, लोक संग्रह पर भली भांति दृष्टि रखते हुए तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है, तुम कर्म करने के ही योग्य हो, निकम्मा रहने के नहीं। तो ये लोक संग्रह क्या है? श्री शंकराचार्य भगवान ने लोक संग्रह शब्द का अर्थ किया कि लोगों को कुमार्ग गामी होने से बचाने के लिए। संसार के लोग ये नहीं जानते हैं कि किस मार्ग से चलना चाहिए। बचपन में जब हम अपने पितामह के साथ या किसी बड़े बूढ़े के साथ रास्ते में चलते तो दृष्टि पड़ती कि वहां पहुंचना है, एक बीच में खेत है, खेत के चार कोने हैं, सामने वाले कोने पर पहुंचना है। तो बिल्कुल समान कोण में जाने के लिए जो एक दूसरे कोण पर जाके घूम के फिर वहां पहुंचना पड़ता था, तो हम दौड़ते थे बचपन में कि ये बाबा तो ऐसे ही हैं, ये तो मेड़ मेड़ से जाएंगे, सीधे खेत में से नहीं जाएंगे, और हम खेत में से चलेंगे तो इनको दो कोण पार करना पड़ेगा, हम एक ही कोण में पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारे मन में आता। तो जब हम दौड़ के जाना चाहते तब वो हमारा हाथ पकड़ ले, कि नहीं खेत में से नहीं जाना चाहिए, मेड़ पर से ही जाना चाहिए, मेड़ का मार्ग लंबा है और खेत का मार्ग छोटा है, मेड़ का मार्ग टेढ़ा है और खेत का मार्ग सीधा है। हम सीधे और निकट के मार्ग से जाने के लिए दौड़ते और हमारे पितामह हमारा हाथ पकड़ लेते, कहने खेत में से मत जाओ, मेड़ पर से जाओ।
तो जैसे किसी को पीछे की कुर्सी पर बैठना हो और वो ठीक रास्ते से ना आकर के कुर्सियों का उल्लंघन करके सीधा पहुंच जाना चाहता हो तो बाबा हमको बता सकते हैं कि देखो रास्ते से चलोगे तो इसमें कांटे नहीं है, कंकड़ नहीं है, हजारों आदमियों के चलने से ये रास्ता बिल्कुल सुचिक्कन हो गया है, हैं? और खेत में से जाओगे तो कंकड़ भी हो सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं, खूंटी भी हो सकती है। हाँ, और फिर खेत के भीतर से जाओगे तो जो चीज बोई गई होगी उसके ऊपर तुम्हारा पांव पड़ेगा, पौधे पर पांव पड़ेगा तो उसका नुकसान होगा, तुम्हारे पांव का भी नुकसान है, पौधे का भी नुकसान है। अच्छा, इसी रास्ते लोग जाने लग जाएंगे तो बेचारे किसान का खेत जो है वो दो टुकड़े हो जाएगा, वे रास्ते चलने लगेंगे तो उसके खेत का नाश हो जाएगा। तो चलना कैसे चाहिए? मर्यादा से चलना चाहिए। मर्यय ही मनुष्य ही आदियते इति मर्यादा। मनुष्य लोग जिसको स्वीकार करते हैं, स्वीकृति देते हैं कि हमारे लिए ये मेड़ है, यहां तक का खेत तुम्हारा और इसके बाद का तुम्हारा। क्यों बाबा, धरती तो एक है। हाँ बोले, वो मनुष्यों के द्वारा स्वीकृत मर्यादा है कि यहां तक का खेत तुम्हारा और ये कानूनी मर्यादा है, ये सामाजिक मर्यादा है, ये मनुष्यों के द्वारा स्वीकृत मर्यादा है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य का कहना है कि लोक संग्रह का अभिप्राय है कि जो मनुष्य जाति के द्वारा स्वीकृत शास्त्रीय मर्यादा है उसको जो तोड़ करके इधर उधर चलते हैं, उनको भी ठीक मार्ग पर ले चलने के लिए कि लोग कुपथ से, कुमार्ग से, कुवर्तम से न चले, मनुष्य को ठीक ठीक कर्म करना चाहिए। शंकराचार्य भगवान का जो सिद्धांत है वो किंचित निषेध प्रधान है। वो इदम का निषेध करके साक्षी आत्मा के रूप में परब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। उनका कहना है कि अन्य के रूप में यदि कहीं सत्य का साक्षात्कार होगा तो वो साक्षात्कार द्वैत की स्वीकृति के लिए बाध्य है। जहां भी अन्य के रूप में किसी तत्व का सत्य का साक्षात्कार होगा वहां वो वस्तु होगी साक्षात्कार्य, साक्षात्कृत्य, साक्षात्कर्तव्य, और आत्मा होगा साक्षात्कर्ता। एक देखने वाला होगा, एक देखा जाने वाला होगा। इसलिए अन्य के रूप में तत्व का साक्षात्कार करने पर हम द्वैत की स्वीकृति के लिए बाध्य हैं, परंतु आत्म रूप से सत्य का साक्षात्कार करने पर आत्मा द्वैत के साक्षात्कार में द्वैत की सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि अन्य में से अपनी उत्पत्ति माने और अपने को मिटा दें तो उस जड़ सत्ता का अनुभव करने के लिए कोई चेतन नहीं रहेगा, केवल जड़ सत्ता का अस्तित्व अनुभव विरुद्ध है। परंतु जड़ सत्ता से रहित आत्म सत्ता का जो अस्तित्व है वो स्वतः सिद्ध है। इसलिए आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने पर अद्वितीय चेतन सत्ता की सिद्धि होगी और अन्य रूप से साक्षात्कार करने पर, है ना, एक असंगत साक्षात्कार होगा कि सबका सब जड़ ही है, सबका सब जड़ ही है। ये असंगत साक्षात्कार है क्योंकि जड़ता जो है वो ज्ञात हुए बिना सिद्ध नहीं होती और ज्ञात होने के लिए चेतन की आवश्यकता पड़ती है,
इसलिए अन्य को अद्वितीय सत्ता के रूप में स्वीकार करना गलत है, और यदि दोनों को स्वीकार करें तो परस्पर सापेक्ष होने से, उसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से वो, बौद्धों का शून्यवाद प्राप्त होता है, सापेक्ष सत्ता बिल्कुल वास्तविक नहीं होती है। अब नारायण, तो अब शंकर भगवान की जैसी दृष्टि है उसके अनुसार वो निषेध की प्रधानता से लोक संग्रह शब्द का अर्थ करते हैं। केवल मनुष्य कुमार्ग में न जाए, इतने ही हमको चाहिए। कुमार्ग में न जाए तो सन्मार्ग उसके जीवन में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। कुमार्ग क्या है? अपनी रति, अपनी तृप्ति, अपनी तुष्टि छोड़ करके अपनी रति, अपनी तृप्ति, अपनी तुष्टि को अन्य काल में फेंक देना। एक सज्जन आए हमारे पास, अगली पीढ़ी के लिए ये काम करना जरूरी है ना। अब देखो, गृहस्थों के लिए तो ठीक ही है, वो अपने बेटे के लिए करते हैं, नाती के लिए करते हैं, पोते के लिए करते हैं, और जो पंडित लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो हमारे बेटे में भी हमारे मजहब का संक्रमण हो ये आवश्यक समझते हैं। मजहबी लोग ये समझते हैं कि मजहब का जो रूप हमारे बुद्धि में और जीवन में है, वही रूप हमारे बेटे के अंदर भी जाना चाहिए, ये मजहबी रूप है। धनी लोग समझते हैं कि हमारे पास जो धन है, वो धन हमारे बेटे नाती पोते को ही मिलना चाहिए। और सन्यासियों का दृष्टिकोण बिल्कुल इससे निराला है, ये मजहबी नहीं है बिल्कुल। जो लोग इनको मजहबी समझते हैं वो तो सन्यास धर्म को जानते ही नहीं हैं कि ये सन्यास क्या है। अगली पीढ़ी में भी बुद्धि होगी, वो भी परिश्रमी होगी, है ना, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका संग्रह होगा, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका समाज होगा। उसके लिए यदि हम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं तो वर्तमान काल को, वर्तमान देश को, वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान सुख को हम बिल्कुल, है ना, आगे ले जाने की वासना से आक्रांत हो करके वर्तमान में उसके स्वरूप को खो बैठते हैं। तो इसलिए नारायण, अपने आप का शोषण नहीं करना चाहिए, ये अपने आप का शोषण होता है। बहुत लोग जो हैं वो दूसरों का शोषण करके अपने आप को भरते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप का शोषण करके दूसरे को भरते हैं। अपनी बुद्धि का भी शोषण होता है, अपने आत्मा का भी शोषण होता है। हम दूसरों को ही हिप्नोटाइज नहीं करते हैं, कभी कभी अपने विचारों से खुद भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और तब ईमानदारी, यथार्थ सत्य हमसे दूर हो जाता है। तो बोले कि बाबा देखो, मार्ग तो तुम्हारे भीतर निकलेगा, हम इतने चाहते हैं कि तुम हानिकारक मार्ग पर मत जाओ। बिल्कुल अपने सिद्धांत के अनुरूप प्रतिषेध प्रधान प्रक्रिया, निषेध प्रधान प्रक्रिया के अनुसार शंकराचार्य भगवान ने लोक संग्रह का अर्थ किया। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, स्वयं भगवान लोगों की रक्षा करते हैं, तो श्री कृष्ण उठाते हैं गोवर्धन हैं अपने बाएं हाथ की उंगली पर, तो ग्वाल बाल लगाते हैं डंडा। ईश्वर के संकल्प में हम उनकी मदद करते हैं, तो भगवान लोकत प्राण परायण है, आश्रयण सौकर्या पादक हैं, आश्रित कार्य निर्वाहक हैं। जो भगवान की ओर चलना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, उसके लिए विमान भेज देते हैं कि तुम इस पर चढ़ के हमारी ओर आओ। ये आश्रयण सौकर्या पादकत्व है। जैसे हमसे कोई मिलने के लिए आना चाहे तो हम कहें बच्चू भाई जरा अपनी मोटर तो भेज दो, वो आदमी हमारे पास मिलने के लिए आना चाहता है।
तो उसको अपने पास आने में सुगमता देना ये भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के आश्रित हो जाए उसके अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी रक्षा करना और संवर्धन करना, ये भी भगवान का काम है। इसलिए जैसा भगवान का स्वभाव है वैसे ही जीव का, देखो निर्गुण ब्रह्म निषेध प्रधान है और सगुण ब्रह्म जो है वो त्राण परायण है, कल्याणिक तान है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ईश्वर का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अपने से भिन्न समस्त वस्तुओं से विलक्षण है, कल्याणिक तान। जैसे योगी की प्रत्येक चित्त वृत्ति निरोधोन्मुख होती है वैसे भगवान का प्रत्येक संकल्प, उनकी प्रत्येक क्रिया लोगों के कल्याण के लिए होती है। सच्चित सुखैक स्वरूप अखिल हेय प्रत्यनीक, कोई त्याज्य गुण उनमें नहीं है। तो ऐसे भगवान की भक्ति के मार्ग पर जो चल रहा है उसका लोक संग्रह क्या होगा, उसका लोक संग्रह ये होगा कि वो जैसे लोग नाश के पथ पर न चलें, अपने कल्याण के पथ पर चलें, वो धर्म का अनुष्ठान करें, वो अंतर्मुख हों, वो भगवान की भक्ति करें, वो भगवान के आश्रित हों, शरणागत हों, ऐसा काम करना, इसका नाम लोक संग्रह है, लोक रक्षण। श्री नीलकंठाचार्य जी महाराज ने लोक संग्रह शब्द का अर्थ किया, लोक संग्रहो नाम स्वधर्मे प्रवर्तनम्, लोगों को अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करना। क्योंकि लोगों को अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करने से ही लोक की रक्षा होती है। अपने ऐसा नहीं मानते हैं कि सबका बपतिस्मा हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा, है ना, तब ईश्वर जो है वो उसके ऊपर अनुग्रह करेगा बपतिस्मा कराने के बाद, इसको मजहब बोलते हैं। बोला कैसा नहीं मानते हैं कि सबका खतना हो जाएगा तब हमारा पैगंबर ईश्वर से सिफारिश करेगा कि देखो अब इसका खतना हो चुका है, आप इसको स्वीकार कीजिए, हैं? हमारे ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक इकाई के साथ जो ये मनुष्य की परंपरा चलती है, जैसे आम के साथ एक स्वभाव एक गुण एक धर्म, अंगूर के साथ एक स्वभाव एक गुण एक धर्म, अनार के साथ एक स्वभाव एक गुण एक धर्म, इसी प्रकार मनुष्य के साथ और मनुष्यों में भी प्रत्येक के साथ सत्व की प्रधानता, रजस की प्रधानता, तमस की प्रधानता। तो केवल तमस की प्रधानता में कोई धर्म नहीं होता है, रज के लिए उन्मुख तम, तम के लिए उन्मुख रज, और सत्व के लिए उन्मुख रज, और सत्व रज की ओर झुकता हुआ सत्व और परमात्मा की ओर झुकता हुआ सत्व। इस प्रकार से महाराज ये सत्व रज तम गुण के विभाग से मनुष्यों के पृथक पृथक धर्म होते हैं। ये बात दुनिया में आपको किसी मजहब में नहीं मिलेगी। बोला एक एक विशिष्ट बात है ये हमारी हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की। यम पृथक धर्म चरणा पृथक धर्म फलईषिण पृथक धर्म समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः। धर्म और ईश्वर एक है और उसकी आराधना के प्रकार अलग अलग हैं। लोग अलग अलग धर्माचरण करते हैं, धर्मचरणा अलग अलग फल चाहते हैं और अलग अलग पद्धति से भगवान की आराधना करते हैं। ईश्वर एक है।
तो मुख अपनी पद्धति से भगवान की आराधना करता है। विचार करना और वाक प्रधान होना, दृष्टि प्रधान होना, श्रवण, पांचों ज्ञान इंद्रियां हो, देखना मुख में विशेष रूप से रहती हैं। ये मुख धर्म है। तो मुख मुख के धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करे, आंख दर्शन करे, कान सुन है, नाक सुगंध सुंघ है ना, जिह्वा जो है वो बोले, प्रसाद पावे, स्पर्श करे, विचार करे। ये देखो ज्ञान प्रधान क्रिया जो है वो मुख मंडल में होती है और कर्म प्रधान ज्ञान हाथ में होता है और संग्रह प्रधान धर्म पेट में होता है और सबके भार को वहन करना ये धर्म पांव में होता है। तो पांव पांव के पांव चल के भगवान की आराधना करें, पेट पौष्टिक वस्तु को अपने अंदर रख करके भगवान की आराधना करें, हाथ कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करें और फिर ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना करें। ये हमारी समाज व्यवस्था, तुरीय की प्रधानता से भगवान की आराधना एक, प्राग्ञ की प्रधानता से भगवान की आराधना दो, तेजस की प्रधानता से भगवान की आराधना तीन है और विश्व की प्रधानता से भगवान की आराधना चार। तो सब ये हाथ ये न कहे कि हम सिर वाला काम अब हम करेंगे, देखने का काम हम करेंगे, सुनने का काम हम करेंगे, सोचने का काम हम करेंगे, है ना। स्वे स्वे कर्मण या भी रहता संसिद्धिम लभते नरः, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कर्म करें। प्रवृत्ति प्रवृत्ति रोधको वर्ण धर्मः, नारायण निवृत्ति पोषकश्च अपरः। क्षत्रिय ब्राह्मण का काम न करे, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम न करे, आपस में कर्म संकर न हो, परंपरा से बिल्कुल ठीक ठीक कर्म चलता रहे, अपने अपने कर्म में सब निपुणता प्राप्त करें और उस कर्म के द्वारा एक ईश्वर की आराधना करें और अपना मनोवांछित फल प्राप्त करें। वर्ण संकर की तरह कर्म संकर न होने पावे। तो स्वधर्मे प्रवर्तनम स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः, स्वधर्माभिरतः स्वकर्माभिरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। मनुष्य को अपने अपने धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए महापुरुष का ये काम है कि सबको अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करे, नहीं तो कहेंगे पहले तो जुलाहे का काम अपने हाथ में छीन लेंगे, लुहार का काम अपने हाथ में छीन लेंगे, धोबी का काम अपने हाथ में छीन लेंगे, जूता बिक्री का काम अपने हाथ में छीन लेंगे और फिर पंडित जी महाराज कहेंगे कि सबका उत्थान होना चाहिए। कारखाने तो सब पंडित जी के हाथ में है, जुलाहे को कपड़ा बनाने की सुविधा नहीं, लुहार को लोहा गढ़ने की सुविधा नहीं, धोबी को कपड़ा धोने की सुविधा नहीं है और खेतिहर को खेती करने की सुविधा नहीं, सब तो रहेंगे एक पंडित जी के हाथ में और लोगों से कहेंगे कि इनकी उन्नति होनी चाहिए। तो उन्नति कोई जवानी जमा खर्च से नहीं होती है, इसी को लोक संग्रह बोलते हैं। लोक संग्रह माने सबको अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित करना, स्वधर्मे प्रवर्तनम। अब नारायण दूसरे आचार्य कहते हैं कि लोक संग्रह का अर्थ है लोक का संघटक, सबको एक मत बनाए रखना। ये देखो सम सम दो बार है, संपश्यन में भी सम है और संग्रह में भी सम है और ये सम्यक तो जो है ये उपसर्ग रूप है। तो लोक संग्रह में वापी संपश्यन, दुनिया में बैमत से ना हो जाए, बिखर न जाए दुनिया के लोग। एक उद्देश्य से अनेक साधन करना पड़ता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई उसकी डिजाइन बनाता है ना, और कोई मशीन में तेल डालता है, कोई सफाई करता है, कोई कपड़े को उठाता है
कोई कपड़े को भेजता है, एक कपड़ा बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न कर्म में लगना पड़ता है। तो यदि एक उद्देश्य से अनेक व्यक्ति अनेक कर्म करना पसंद नहीं करेंगे तो वो काम हो ही नहीं सकेगा, कपड़ा बन ही नहीं सकेगा। सब अगर ये मांग करें कि हम डिजाइन ही बनावेंगे, मशीन नहीं चलावेंगे, है ना, हम टूटे हुए सूत को नहीं जोड़ेंगे, हम बंद मशीन की मरम्मत नहीं करेंगे, हम झाड़ू नहीं लगावेंगे, तो लोक संग्रह में वापी संपश्यन। एक कर्म के लिए, एक धर्म के लिए अनेक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, उनमें भेद बुद्धि उत्पन्न करके उनका नाश नहीं करना चाहिए। इसी से वेद भगवान आदेश करते हैं, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपागत। कदम से कदम मिलाकर चलो, संगच्छध्वम संगच्छध्वम सम वदध्वम, एक स्वर में बोलो, संभो मनांसि जानताम, एक संकल्प करो, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना, एक सदृश ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान में सादृश्य, संकल्प में सादृश्य, स्वर में सादृश्य और गति में सादृश्य। वेद भगवान आदेश करते हैं, समानी प्रपा, देखो खाने पीने में हम भेद नहीं करते, समानी प्रपा सह वो नभागा समाने योक्त्रे सह वो जुनज्मि सम्यंचो अग्निम सपर्ज्यत। वेद भगवान आदेश करते हैं, पानी सबको पीने के लिए एक सरीखा मिलना चाहिए, भोजन सबको खाने के लिए एक सरीखा मिलना चाहिए, सबको परिश्रम समान रूप से करना चाहिए, किसी को निकम्मा नहीं रहना चाहिए, और सब लोग अग्नि स्वरूप जो परमात्मा है, सम्यंचो अग्निम सतर्ज्यत, अग्नि की आराधना करो, प्रदीप्त जीवन व्यतीत करो और अग्नि की आराधना करो, अग्नि में से सब सिद्धि सारे विज्ञान अग्नि में से निकल आएंगे। जाठराग्नि में से शरीर विज्ञान निकलता है, हो और जो भौमाग्नि है उससे रोटी आदि बनती है, कपड़े आदि बनते हैं, ये भौमाग्नि है, और एक आकराग्नि होती है जिससे सोना निकलता है, एक विद्युत अग्नि होती है, आकाशाग्नि होती है जिससे अनेकों प्रकार के विज्ञान का आविष्कार करता है, आविष्कार होता है। सम्यंच अग्निम तपर्जतो, भली भांति अग्नि की पूजा करो, अग्नि का आदर करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के आश्रित रहो। ये जो है क्या है, ये लोक संग्रह है, लोक संग्रह है, संगठित होकर के, संगठित होकर के काम करो, संगच्छध्वम संबदध्वम। बोले भाई लोक संग्रह का एक ये अर्थ है कि संपूर्ण प्राणियों को सुख पहुंचाओ। तो बोले कि ये यज्ञ के द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, ये बात पहले कही जा चुकी है, सब प्राणियों के हित के लिए, पितर के हित के लिए, भूत के हित के लिए, पशु पक्षी के हित के लिए, ऋषि के हित के लिए, देवता के हित के लिए, संपूर्ण जगत के हित के लिए यज्ञ करो, यज्ञ करना आवश्यक है। अब यदि वही हेतु फिर कर्म करने में दे देंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ लोक संग्रह का अर्थ क्या है, कि मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति को संबद्ध रखने के लिए, और मनुष्य जाति परस्पर विकीर्ण न हो जाए, बिखर न जाए, ये सत्पुरुष के पीछे पीछे चले, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो अनुकरण की है। आप अपने बच्चे को कभी हमारे पास लाते हैं और कहते हैं कि प्रणाम करो, तो रोने लगता है ना, वो मुंह फेर लेता है, वो चिल्लाता है, लेकिन जब आप और आपके घर वाले एक बार दो बार तीन बार प्रणाम करते हैं तो बच्चा अपने आप ही सिर झुका के प्रणाम करने लगता है। तो बच्चे की प्रकृति उपदेश मानने की नहीं होती, बच्चे की प्रकृति अनुकरण करने की होती है। तो कोई उम्र में बच्चा होता है और कोई अकल का बच्चा होता है ना, अकल का कच्चा है ना,
कोई उम्र का बच्चा होता है और कोई अकल में बालक होता है। तो अकल में जो बालक होता है वो भी कहने से कोई बात नहीं मानता है। उसका स्वभाव यही होता है कि वो तो जब देखेगा कि ये मनुष्य ऐसा काम करता है तब करता है। तो ऐसे जो अकल के कच्चे है ना, उम्र में बड़े होने पर भी अकल के कच्चे जो बच्चे हैं, उनको ठीक ठीक सच्चे मार्ग पर ले चलने के लिए कि ये आवश्यक है कि उनके सामने एक आदर्श हो जिसके पीछे चल करके वो अपने गंतव्य पर पहुंच सके। इसीलिए मनु जी महाराज ने धर्म के लक्षण पर जब बड़ा जोर दिया, मनु जी ने ये कहा कि भाई श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एत चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। भगवान मनु ने दशकम धर्म लक्षणम करके सामान्य धर्म का वर्णन किया कि धर्म किसको कहते हैं, तो अपने जीवन में धैर्य होना धर्म है, जो ये धृति की शक्ति है, आंख से देखते ही उसके ऊपर टूट नहीं पड़े, है ना। एक कुत्ता है, आंख से खाने की चीज जब वो देखता है तो उसके जीभ पर तुरंत पानी आ जाता है, और वो जंगली कुत्ता है तो उस खाने की चीज पर टूट पड़ता है। लेकिन आपका मन कोई जंगली कुत्ता तो नहीं है ना, कम से कम घरेलू कुत्ते की तरह तो मन को रहना ही चाहिए, है ना। वो आपका अपना है, इसलिए आपके नियम में आपकी मर्यादा में उसकी उसकी स्थिति होनी चाहिए। तो ये धृति आदि जो है 10 सामान्य धर्म के लक्षण हैं। और जब प्रमाण की चर्चा आई तो वेदो खिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति में ये बात कही गई कि संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल प्रमाण है। परंतु ये सब वर्णन करते हुए भी मनु जी ने कहा कि इसमें ये नहीं समझ लेना कि हम आत्मरुचि और संतों के आचरण का तिरस्कार करते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं समझना। श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। पहली बात तो है कि श्रुति जो है वो अननुभूत का, अज्ञात का, अदृष्ट का भी निरूपण कर सकती है, प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित तत्व का निरूपण करने में सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो वेद में, किसी दूसरे प्रमाण से जो बात नहीं बात। ये नहीं कि पहले देख लिया दूरबीन से, खुरदबीन से पहले आंख से देख लिया और उसके बाद वेद में लिख लिया, ऐसा नहीं। पहले वेद में लिखा हुआ मिला है ना, तब यंत्र के द्वारा उसकी खोज की गई और वो बिल्कुल सच्ची उतरी। प्रथम प्रमाण श्रुति है, द्वितीय प्रमाण स्मृति है, वो श्रुति से अविरुद्ध होनी चाहिए, और तृतीय प्रमाण सदाचार है। श्रुति स्मृति से अविरुद्ध जो सदाचार है वो, और सदाचार से अविरुद्ध जो आत्मतुष्टि है। मनु जी ने ऐसा बढ़िया इसका निरूपण किया है। आजकल लोग मूल जो धर्म संबंधी ग्रंथ हैं तो उनका तो दर्शन करना नहीं चाहते हैं। आपको देखो एक नमूना बताते हैं मनु जी का, यत् कर्म कुर्वतोस्यस्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीतो विपरीतम तु वर्जयेत। अनुष्कर्म करने में आत्मतुष्टि भी एक प्रमाण है। जिस कर्म से आत्मग्लानी होती हो वो नहीं करना, और जिस कर्म से आत्मतुष्टि होती हो वो करना, वो सदाचार के अविरुद्ध होना चाहिए। सदाचार जो है आत्मतुष्टि से ऊपर सदाचार है। तो बोले भाई धर्म के बारे में यदि कहीं पोथी देखने से न मिले तो क्या करना चाहिए। तो मनु जी ने इसका भी निर्णय दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई बात पुस्तक में लिखी न मिले, तब क्या करना चाहिए। अनाम नातेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेद भवेत् यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः सधर्मैति निश्चयः। अनाम नातेषु धर्मेषु, अनामनात धर्म में माने जिसका उपदेश शास्त्रों में नहीं मिलता है
यदि ऐसी कोई वृत्त विचिकित्सा वास्या कर्म विचिकित्सा वास्या, वेदों में आया यदि तुम्हारे मन में आचरण संबंधी जिज्ञासा हो या कर्म संबंधी जिज्ञासा हो और वो प्राचीन ग्रंथों में न मिले, तत्र जे ब्राह्मणा सम्मर्सिना अलूक्षा युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्यु ते जथा तत्र वर्तेरन त्वम तथा तत्र वर्ते था। तो भाई इसके संबंध में शिष्ट लोग जैसा आचरण करते हैं उस शिष्ट के द्वारा आचरित जो धर्म है, ये श्रुति का कहना है कि सत्पुरुष इसके संबंध में जैसा करते हो वैसा करना चाहिए। अपनी वासना की दुर्गंध से दूषित बुद्धि के द्वारा, पक्षपातिनी बुद्धि के द्वारा, मनुष्य पक्षपात के कारण ऐसा गलत कदम उठा लेता है, पर ये तो हो ही जाएगा, वो सोचता है कि ऐसा तो होगा ही, है ना। फल के संबंध में ऐसा अनुमान निकालता है कि ये फल तो जरूर होगा। एक चींटी चढ़ी जा रही थी भीत पर, है ना, तो एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा देखो ये एक सेकेंड में इतना चलती है, तो एक मिनट में इतना चलेगी, तो दो मिनट में ये भीत को पार कर जाएगी और उसके बाद ये छत पर चलेगी, है ना। महाराज इसी बीच में वो चींटी घूम गई, सीधे नहीं गई, थोड़ी घूम गई, तो गणित गलत हो गया, है ना, गिर गई, है ना, चींटी गिर गई तो गणित गलत हो गया, चींटी थोड़ी रुक गई, ठिठक गई के ऊपर कैसा है देखने लगी तो गणित गलत हो गया, है ना। तो हम लोग जो अनुमान लगा करके सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, है ना, वो जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी त्रुटि रहती है, इसलिए केवल प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तु भी, प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तु भी कभी कभी अपने स्वरूप के विपरीत उपलब्ध होती है। तो ऐसी स्थिति में श्रुति स्मृति और सदाचार, इनके द्वारा धर्म और जो अनैन्द्रिय तत्व है, अतीन्द्रिय तत्व है, इंद्रियातीत तत्व है, उसके बोध में श्रुति स्मृति सदाचार जो है ये बड़े प्रामाणिक होते हैं। तो इसलिए जज्जत शीर्षण या चरितम तत्त अनुवर्तते ही लोकः, जो जो शीर्षणीय पुरुष मूर्धन्य पुरुष हेड, है ना, ये जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य माने यही है वो लोग हेड मास्टर, है ना, तो जो मूर्धन्य अध्यापक है, शीर्षणीय अध्यापक है, तो वो जैसे जैसे आचरण करता है यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, श्रेष्ठ कौन है, श्रेयान कौन है। वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान भी हो और उसका आचरण भी हो, ज्ञान और आचरण का जहां समन्वय होता है वहां लोक में मनुष्य को श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। तो लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, केवल मनुष्य जाति की जो मर्यादा है वो भंग न होने पावे, इस बात को देख करके मनुष्य को आचरण करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत दृष्टि जितनी परिपुष्ट है उतनी सार्वजनिक सार्वलौकिक दृष्टि नहीं है। अब आप इस प्रसंग को क्या बोलते हैं, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, आपको कर्म करना चाहिए। मान लिया कि आपको आत्मज्ञान हो गया है और अपने लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं है, मान लिया कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और अपने लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आप व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत स्वार्थ से बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं, मान लिया ये, लेकिन केवल आप ही तो नहीं है ना दुनिया में, लोक संग्रह में वापी
संपश्यन कर्तुम अर्हसी, लोक संग्रह को दृष्टि में रख करके भी अकेले नहीं चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए जो किसी के विरोधी न हो, सबके सहायक है। हमारे ज्ञान का ऐसा उपयोग होना चाहिए जो केवल हमारे व्यक्तिगत या सीमित संबंधियों के ही स्वार्थ और सुख के लिए न हो, सबके सुख स्वार्थ के लिए हो। तो संगठन की दृष्टि रख करके, सार्वजनिक हित की दृष्टि रख करके मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि जो हम अकेले में करते हैं या जो हम अपने लिए करते हैं वो अपने लिए ठीक है। काशी में एक पंडित जी थे, पंडित मदन मोहन शास्त्री उनका नाम था, मालवीय जी नहीं, दूसरे। उन्होंने मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज की भी प्रतिष्ठा की है काशी में, और सनातन धर्म कॉलेज, एक अंग्रेजी कॉलेज भी उनके द्वारा स्थापित था। बहुत वर्षों से, कोई 50-60 बरस से उनकी ये प्रवृत्ति चल रही है। तो बड़े सनातन धर्मी थे वो, और उपदेशक भी बड़े उच्च कोटि के थे। एक दिन वो अपने घर में बैठे संध्या कर रहे थे, तो उनका बेटा भी उनके साथ संध्या करता, उनके बड़े योग्य पुत्र हैं। रोज वो बैठ करके आधा घंटा तक प्रतिदिन संध्या वंदन करते थे। 24 घंटे में आधा घंटा अगर बिना किसी कामना के मनुष्य व्यतीत कर सके तो ये उसके जीवन में एक पवित्र क्षण होगा। असल में मनुष्य के जीवन में जो वासना रहित क्षण होता है वो क्षण अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि उस समय वो अनात्म संस्पर्श से पृथक होता है। तो वो रोज बैठ करके संध्या वंदन करते थे, उनका बेटा भी करता था आधा घंटा रोज। एक दिन कोई कचहरी का काम आ गया, पंडित जी को बहुत जल्दी थी, 15 मिनट में संध्या वंदन करके पूरा करके उठ गए। बेटा बैठा रहा, वो चले गए कचहरी। आए दूसरे दिन संध्या वंदन करने, जब दोनों बैठे तो 15 मिनट बाद बेटा उठ गया, और वो आधे घंटे बैठे थे। फिर उन्होंने उठ के पूछा कि क्यों भाई, आज तुम 15 मिनट में ही संध्या वंदन छोड़ के क्यों उठ गए? तो लड़के ने कहा कि पिताजी, आज स्कूल का काम बहुत ज्यादा था तो मैंने कहा कि जरा संध्या वंदन 15 मिनट में करके उसको पूरा कर लें, इसलिए उठ गया। बोले, अरे भाई, संध्या वंदन तो आधा घंटा कर लेते पूरा। तो बोले, पिताजी कल तुमको कचहरी का जरूरी काम था तो 15 मिनट में ही चले गए थे कि नहीं? अरे, उसको सिखाना बिल्कुल नहीं पड़ा हो कि 15 मिनट में ही संध्या वंदन छोड़ देना चाहिए। वो तो देखा उसने, तो पंडित जी का मैंने बिल्कुल सच्चा नाम लेके बताया है और उनके लड़के की सच्ची बात आपको बताई है। हमको मिलते थे, जब मैं सन्यासी होके बनारस से चला तो ये बड़े वृद्ध थे, हाथ मुंह कांपता था। स्टेशन पर आए तो उन्हें हमको उपदेश करना था कुछ, बोला, लेकिन वो सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा मानते थे कि मेरे हाथ में था दंड है और वो थे गृहस्थ, तो हमको उपदेश कैसे करते, वो तो हमारे पिता से भी बड़ी उम्र के थे, परंतु मेरे हाथ में दंड था, उपदेश कैसे करते। तो बोले कि स्वामी जी महाराज, आप तो साक्षात नारायण स्वरूप हैं, आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसा हमारा ज्ञान है वैसी ही हमारी वृत्ति बने। देखो, तो पंडित लक्ष्मण नारायण जी गर्दे थे, साथ ही उनके आए हुए थे स्टेशन पर। ये सन 42 की बात है। मैंने गर्दे जी की ओर देखा तो बोले कि देखते हैं ना इनकी चतुराई है ना, ये असल में इनकी बुद्धिमत्ता है। आपको ये कह रहे हैं
कि ज्ञान में वृत्ति आरूढ़ हो, ये ऐसा कह रहे हैं है? लेकिन ऐसे नहीं कहते हैं कि आपकी वृत्ति ज्ञानारूढ़ हो, ऐसे कह रहे हैं कि हमारी वृत्ति ज्ञानारूढ़ हो। ये भी बोलने का एक सदाचार है, एक शिष्टाचार है। हम कहते हैं कि ये बात बिना सीखे किसी को नहीं आ सकती। यदि वो बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं करेगा, उनका सत्संग नहीं करेगा, उनका संसर्ग नहीं करेगा, और कोई चाहे कि हम पोथी में पढ़ करके ये बात बोलना सीख ले, है ना, ये बात पोथी में पढ़ के बोलना सीख ले, बिल्कुल नहीं आ सकती। जो वृद्धों की उपासना नहीं करेगा, महापुरुषों का सत्संग नहीं करेगा, तो यद जदाचरति श्रेष्ठा तत् तदेवे तरोजनः, हमारे जीवन में एक अच्छी बात आवे है? इसके लिए वृद्ध पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को भी ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे सब लोगों का कल्याण हो।